नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काईटेक न्यूज के अंदर। दोस्तों, आप अगर RSI इंडिकेटर यूज करते हैं और उसकी बेस्ट सेटिंग जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इसकी पूरी जानकारी लेने वाले। सिंपली दोस्तों, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे जीरोदा हो, ग्रो हो, फायर्स हो, वहाँ पे आप इजिली RSI इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं और इस सेटिंग को आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो वहाँ पे आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है। जैसे लॉग इन करते हैं, मैं यहाँ पे जीरोदा के अंदर यहाँ पे लॉग इन कर रखा हूँ। तो सिंपली आप चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, जो भी आप जहाँ पे भी ट्रेड करना चाहते हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम उसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे मेन आपको ये बात ध्यान में रखना है, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे इसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पे FX में जाना है। यहाँ पे FX में अगर जाते हैं हम, यहाँ पे आपको सिंपली RSI टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम RSI टाइप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे दो या तीन ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक RSI आ रहा है, यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस और स्टोकेस्टिक RSI यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI को हम सबसे जो फर्स्ट नंबर पे उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं नीचे के साइड पे यहाँ पे RSI प्लॉट हो चुका है। बिल्कुल बेसिक सी वीडियो दोस्तों, लेकिन हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि RSI की बेस्ट सेटिंग क्या होनी चाहिए या हम कौन सी सेटिंग्स को यूज करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स जो सेटिंग्स यूज करते हैं दोस्तों, उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो हम फिर से यहाँ पे FX के अंदर जाएंगे, RSI को हम यहाँ से फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सेटिंग्स ओपन हो चुके हैं। हमें कुछ सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करने हैं। आप देख सकते हैं जो पीरियड यहाँ पे 14 पीरियड का दिया है और जो RSI का लाइन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स जो दिखाई दे रहे हैं 80 और 20 के, हमें इसकी कुछ सेटिंग्स करना है। सिंपली दोस्तों, यहाँ से हम सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं। हमें पीरियड के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। ओवरबॉट जो लेवल है हम यहाँ से इसे सिर्फ 60 कर लेते हैं और जो ओवरसोल्ड जो लेवल होता है नीचे की साइड का, यहाँ पे हम 40 कर लेते हैं। 40 कर लेते हैं। RSI का जो कलर है हम यहाँ से इसे रेड कर लेंगे और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेटिंग्स हमने कर ली है। बाकी कुछ भी हमें यहाँ पे चेंजेस करना नहीं है, हम इसे ओके कर देते हैं। जैसे ओके करते हैं आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ पे हमें RSI के जो लाइन से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर वाला जो लाइन है ये 60 का है, नीचे 40 का है यहाँ पे देख सकते हैं। और रेड कलर की जो लाइन है ये RSI की प्लॉट लाइन है। सिंपली दोस्तों, बाइंग कंडीशंस को समझते हैं। सिंपल सी वीडियो है दोस्तों, आप इसे समझ लीजिए कि RSI जब भी 60 के लेवल के ऊपर चलता है, आप देख पाएंगे यहाँ पे RSI 60 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। जैसे क्रॉस करता है आप देखेंगे मार्केट में हमें एक अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। जैसे 60 को लेवल को यहाँ पे नीचे काटा, यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया। आपने एग्जिट यहाँ पे बॉटम को पकड़ लिया। जैसे 60 को क्रॉस किया आपने एंटर कर लिया और 60 के नीचे आते ही आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो हमें ये ध्यान में रखना है, जैसे 60 के लेवल पे RSI क्रॉस करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे आपको अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर 60 और 40 के बीच में होता है तो हम इसे साइडवेज पकड़ेंगे। तो 60-40 के अंदर साइडवेज मार्केट हो सकता है। तो सेलिंग साइड के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आप देखेंगे जैसे 40 के नीचे RSI चला जाता है, यहाँ पे इस लेवल पे 40 के नीचे RSI चला गया, मार्केट में हमें एक शार्प डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। और आप देख पाएंगे जब भी 60-40 आप यहाँ पे फिर से देखेंगे बाइंग साइड के लिए, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर चला गया। जैसे इस लेवल पे 60 के ऊपर चला गया इस कैंडल के ऊपर, आप जैसे इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई बाय पोजीशन बनाते, चाहे आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको एक अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती। आप चाहे इसे बैंक निफ्टी पे भी देख सकते हैं, निफ्टी पे भी देख सकते हैं या किसी स्टॉक्स पे भी देख सकते हैं। और
जैसे 60 के नीचे आता है ऊपर की साइड से, तो आपको एग्जिट करना चाहिए अपने बाइंग पोजीशंस के अंदर। तो सिंपली दोस्तों इस तरह से आप आरएसआई का इस सेटिंग का यूज करके अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, जय हिंद।